हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली मेरा पीसीसी मेरे पास आ चुका है और मैंने अपने पीसीसी पे अपोस्टल भी करा लिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल्ली डिटेल में बताऊंगा कि पीसीसी आने के बाद उसको कैसे अपोस्टल कराया जाता है और क्या ज़रूरत होता है अपोस्टल कराने का। और पीसीसी के लिए जब आप अप्लाई करते हैं अपने पासपोर्ट ऑफिस में तो कितने दिन के बाद आपके पास आता है, और अपोस्टल के लिए आपको कहाँ भेजना है, कितना पैसा लगता है और कितने दिन में अपोस्टल होकर आ जाता है, तो इस बारे में हम पूरी जानकारी के साथ बात करेंगे। और पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि पीसीसी अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरत होता है और कैसे सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सो फ्रेंड, सबसे पहले जब आप अपना पीसीसी अप्लाई करेंगे तो मात्र 1 से 2 दिन में इंक्वायरी आ जाता है आपके पुलिस स्टेशन में, जो कि आपके थाने के चौकीदार से एक अप्लीकेशन लिखवाना पड़ता है और साथ में आपका ओरिजिनल आधार कार्ड लेके थाना में इंक्वायरी के लिए जाना पड़ता है। उसके बाद जब आपका इंक्वायरी क्लियर हो जाता है तो मात्र आपको 7 से 10 दिन के अंदर में आपका पीसीसी आपके घर आ जाता है, जो कि मेरा आया था। उसके बाद जब आपका पीसीसी आपके पास आ जाता है तो फिर आपको अपोस्टल कराना पड़ता है, जो कि कंपनी के रिक्वायर्ड के हिसाब से होता है। बहुत से ऐसी कंट्री और कंपनियां हैं जो कि सिर्फ पीसीसी रिक्वायर करती है, लेकिन बहुत से ऐसे वीज़ा होते हैं जो कि सेंगन कंट्री के लिए हो गया, माल्टा, पुर्तगाल, इटली, इन सभी कंट्री के लिए, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा लें या फिर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, तो पीसीसी को अपोस्टल कराना होता है। तो अपोस्टल कराने के लिए क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ। जब आप पीसीसी अपोस्टल कराने के लिए एजेंट लोग से कॉन्टेक्ट करेंगे तो उनका चार्ज बहुत ही हाई होता है, लाइक 2,000-2,500 भी मांगते हैं। लेकिन मैंने इंटरनेट पर बहुत ही खोजा, तब जाके मुझे एक ऐसा ऑफिस मिला जो कि मात्र 140 रुपये उसका फीस था अपोस्टल का। लेकिन आप चाहे कितना भी ढूंढ लें, कोई भी ऐसा ऑफिस या फिर ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो आपसे 2,000 या 1,500 से कम चार्ज करे। लेकिन मैंने एक दिल्ली के ऑफिस में कॉन्टेक्ट किया तो उनका फ़ीस था मात्र 140 रुपये और बाकी का उनका कुरियर का चार्ज, यानी कि मुझे टोटल 550 रुपये लगा और मेरा पीसीसी जो है अपोस्टल होके बाई कुरियर मेरे घर आ गया। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि पीसीसी अपोस्टल होने में कितना दिन का समय लगता है। पीसीसी अपोस्टल होने में मात्र 1 से 2 दिन का समय लगता है, लेकिन बाकी का दिन कुरियर से आपका पीसीसी ऑफिस में जाने में लगता है, और बाकी का दिन आप जिस भी ऑफिस में अपना पीसीसी अपोस्टल करने के दिए हैं तो वो वहाँ से कुरियर करेगा, तो जितना दिन आपके पास आने में लगे, यानी कि लगभग मान लिया जाए तो 1 हफ्ते में ये सारा प्रोसेस कम्प्लीट हो जाता है और पीसीसी अपोस्टल होके आपके पास आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस ऑफिस का टोटल नाम और एड्रेस नंबर सब कुछ मैं मेंशन कर देता हूँ। जो लोग भी अपना पीसीसी अपोस्टल कराना चाहते हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट अपोस्टल कराना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑफिस है, बहुत ही कम खर्चे में आपका काम हो जाएगा। जो कि अगर आप किसी ऑफिस यानी किसी एजेंट या फिर अदर ऑफिस से कॉन्टेक्ट करते हैं तो उनका फ़ीस बहुत ही हाई होता है। सो इसलिए मैं उस ऑफिस का टोटल नेम और नंबर, एड्रेस सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। जिन लोगों को भी अपना पीसीसी या फिर कोई डॉक्यूमेंट अपोस्टल कराना है तो उनसे कांटेक्ट करें, जिससे आपका काम जो है बहुत ही कम खर्चे में हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।